पहली तो बात सजा याफ्ता मुजरिम है वो, अभी उसकी सजा भी पूरी नहीं हुई, पैरोल से छुट्टी आया हुआ है। दूसरी बात वो क्या कहता था कि कानून कभी वापिस होते हैं क्या, संशोधन किया जा सकता है। हंसता था उस डॉक्टर अजय चौटाला को, उस डॉक्टर अजय चौटाला को जिन भाइयों का नाम बताओ, हमें बसों में ठूस कर ले जाया गया, थानों में घंटे घंटों हमारे सारे साथियों को बिठाया गया। रोटी पानी प्रधान नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और 28 तारीख के इस प्रकरण के बाद जहां सर छोटूराम की जयंती पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो कि जेजेपी के संस्थापक है उसको बुलाने की जय भवन के जो प्रधान है सोनू मलप्रिया द्वारा कहा गया था, उसके बाद आज पंचायत भवन में बुलाई गई जहाँ पर यहाँ पंचायत चल रही है और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं पंचायत में। जो पंचायत, जो पूरा जिला, जो जिले के किसान, जो बड़े बुजुर्ग दुखी करने पड़े, वो केवल एक ही मुद्दा था, कोई और मुद्दा नहीं था। मुद्दा केवल ये था कि जो सरकार, जिस सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हुए हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, जिस सरकार ने हमें साल से भी ज्यादा सड़कों पे बैठने पर मजबूर किया, जिस सरकार के खिलाफ कल हम विश्वासघात दिवस मना रहे थे, उस सरकार के नुमाइंदे को, उस डॉक्टर अजय चौटाला को जिन भाइयों का नाम बताओ, बता दूं, पहली तो बात सजा याफ्ता मुजरिम है वो, अभी उसकी सजा भी पूरी नहीं हुई, पैरोल से छुट्टी आया हुआ है। दूसरी बात वो क्या कहता था कि कानून कभी वापिस होते हैं क्या, संशोधन किया जा सकता है। हंसता था, जब यहाँ आए हमने विरोध किया, हमें बसों में ठूस कर ले जाया गया, थानों में घंटे घंटों हमारे सारे साथियों को बिठाया गया, तब भी वो हमारे ऊपर हंस रहा था। सीधी सी बात है, दोस्ती धर्म निभाना, वो हम अपने घर में, परिवार में, गांव में, साथी में, बिजनेस में, दुनिया उसके लिए सांसारिक जीवन है। आप जिले के प्रधान हो, हमारे सिर के ताज हो, आपको बहुत बड़ी धरोहर पे, बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति का, इस किसान भवन का जो पूरे हरियाणा के समस्त किसान संगठनों का हेडक्वार्टर है, उसका प्रधान आपको बनाया। सीधी सी बात, आज से पहले क्या हुआ, कभी शायद किसी फैसले के विरोध में इतने किसान इकट्ठे नहीं हुए। ये आंदोलन चला तो आज किसानों में 20-30 साल पुरानी जो यूनियन की जो एक यहाँ जनाधार होता था, आज वो जागृति आई है, तो आज जिला इकट्ठा हुआ। जिला बार बार इकट्ठे हो सकते हैं, आज से 20 साल पहले कुछ और कानून बने होंगे, 10 साल पहले कुछ और परिस्थितियां रही होंगी, आज कुछ और परिस्थितियां हैं। अगर आज हमें सुनने को, ना तो मैं यहाँ कभी प्रधान रहा, ना मैंने कभी किसी मुख्य अतिथि का यहाँ स्वागत किया, ना मैंने किसी का नाम आज तक गया, मैं कभी किसी इस कार्यक्रम में रहा नहीं, लेकिन गलत जब जब हुआ है, चाहे वो पूर्व में प्रधान रहे हो, चाहे कितने भी 3-4 प्रधान रहे, आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। सीधी सी बात है, आज से पहले किसी की सरकार में 700 से ज्यादा किसान शहीद नहीं हुए, और केवल एक ही मुद्दा है, अजय चौटाला को केवल ना बुलाना, उसका विरोध वो तो चलो बुलाया नहीं, प्रधान ने कह दिया कि नहीं बुलाऊंगा, आज क्यों ना एक पूरा जिला एक कानून ही बना दो कि बसंत पंचमी पे कभी भी आने वाले चाहे कितने भी साल हो, कोई राजनेता, कोई मंत्री, कोई तरीके का बुलाना नहीं चाहिए, इस पे बिल्कुल लिख दो। मैं सोनू मलपुर की बात से सहमत हूँ, आपसे ही सार मांगने नहीं आए ना हम इस, मैंने आपको फोन कहा क्यों जिले को तकलीफ देते हो, क्यों जिले को इकट्ठा करते हो, एक ही मुद्दा है अजय चौटाला को यहाँ आना नहीं, यही एजेंडा, इससे अलग कोई मुद्दे को भटकाने का प्रयास कोई करने की कोशिश ना करे। प्रधान जी, मैंने कुछ गलत कहा हो तो आपका कुत्ता मेरा सिर हर बार ठीक लगे तो वो बात ना बोलो। हाँ, इस बार नकली है, अध्यक्ष पहले मना कर ले है,
ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਨ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਤਾ पंचायत में आपको बता दें कि अभी जिसने सबसे पहले विरोध किया था भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला प्रधान सुधीर जाखड़ द्वारा यहां पर वक्तव्य दिया गया और उसके बाद स्पेशल यहां पर जो बातचीत की गई उसका आपने देखा किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति भी रही लेकिन उसके बाद यहाँ पर सबको शांत किया गया और अब जो निर्णय है वो कब लिया जाएगा उसके बारे में भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।